जेन वेंट्स। अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि हम 1600 मीटर रनिंग के लिए कितना दौड़ें, और मैं मेरे स्टूडेंट को एक ही जवाब देता हूं। जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, और आपके आर्मी की ड्रेस पहनने का सपना हम इसी तरह से हम पूरा करेंगे। तो एक ही मेरा जवाब होता है कि 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको 1600 मीटर ही दौड़ना है। तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है, एक मतभेद पैदा हो जाता है कि बोलते हैं सर आप हफ्ते में तो एक बार 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोलते ही बोलते हो, तो वो क्या है? तो 10 किलोमीटर में अलग अलग चीज़ें हैं कि 1600 मीटर मतलब मेरा मतलब ये है कि आप जब टाइम टेबल आपने बना लिया है, कि आप रोज कर रहे हैं, तो जो वार्म अप पीरियड होता है, जो एक्सरसाइज करने से पहले जो भी आप इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या क्रॉस कंट्री दौड़ या कुछ भी स्टार्ट करने हैं, तो जो वार्म अप पीरियड होता है, तो कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद में हमें वार्म अप 1600 मीटर दौड़ना ही दौड़ना है। और हो सके एक बेस्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वार्म अप का जो 1600 मीटर आप दौड़ते हैं उसका भी टाइमिंग लगा लीजिए कि आप पैदल चल के कितना टाइम में आते हैं, जब आप छोटा सा हल्का स्टेप बढ़ाते हैं तो आप 1600 मीटर कितने में आते हैं। और ऐसे आपको 7 दिन लगेगा आपके हर एक चीज़ आप हर चीज़ पूरा करने में कि आप किस किस स्टेप में कितना टाइम में आप 1600 मीटर दूरी पूरी कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका टाइम टेबल बनाइए और उसके वार्म अप पीरियड जो होता है उसमें 1600 मीटर ही दौड़िए। मैं 10 किलोमीटर पर हमेशा अड़िग हूँ, मैं 10 किलोमीटर हमेशा बोलूँगा कि शनिवार को या रविवार को 10 किलोमीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है। एक आर्मी में जाने वाले बंदे को वीक में 10 किलोमीटर करना ही करना है, और जो हमारे बिगनर्स होते हैं हम उसको वीक में 2 बार 10 किलोमीटर करवाते हैं, मगर वो वॉक वाला होता है। वॉक, हल्का सा रनिंग, वॉक 2 किलोमीटर, वॉक 1 किलोमीटर, रनिंग 2 किलोमीटर, वॉक 1 किलोमीटर, रनिंग, इस तरह से हम हमारे बिगनर्स को कराते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक ही आंसर देना चाहता था कि 1600 मीटर के लिए हम कितना दौड़ें। तो 1600 मीटर के लिए आप 1600 मीटर ही दौड़ें, 1600 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक आप दौड़ सकते हैं रेगुलर। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज कीजिए जो भी आपको टाइम टेबल में बताई गई है, और टाइम टेबल फॉलो करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जय हिंद।